हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का बच्चों मैथ्स हम करेंगे और आज हम सेट्स करेंगे बच्चों। तो सेट्स चैप्टर में हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं, बेसिक चीजें हमने कवर कर ली हैं, कौन सी फॉर्म होती हैं सेट्स की वो हमने देख लिया है, जैसे कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो बेसिकली क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो आने वाले हैं कि भाई कभी बोल दिया जाएगा रोस्टर फॉर्म से आप सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो, कभी बोल दिया जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। तो दोनों अगर फॉर्म का आपको आइडिया है, पता है, तो आप इजीली उसको क्वेश्चंस को कर पाएंगे बच्चों। उम्मीद है अभी तक आपने अच्छे से किया होगा, चीजों को अच्छे से समझा होगा और नोट्स बना रहे होंगे। अगर किसी को डाउट है या फिर अभी तक किसी का कुछ छूटा है तो बच्चों अपना हैंड रेज करके आप अपना पूछ सकते हो डाउट, कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, क्योंकि वो चीजें आएंगी तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे, कर पाओगे। तो पहले की चीजें क्लियर करना जरूरी है। चैप्टर वन की जो भी आपके बेसिक की इंट्रो की क्लास थी वो आपको ध्यान से समझना जरूरी था बच्चों। कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो अभी पूछ लीजिए। तो तब तक के लिए बच्चों चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड पे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो बच्चों देख पा रहे हैं आप क्लास 11th का समुच्चय यानी सेट्स चैप्टर यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं हम। बच्चों फिर से मैं बोल रहा हूँ, शुरू में आपके पास समय मैंने इसीलिए दिया है क्वेश्चन पुटअप करने के लिए, क्योंकि अगर किसी का कोई छूट गया है, इंट्रो में कोई बेसिक चीज समझ में नहीं आई है, तो आप जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो करने में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, इसीलिए आप पहले वो चीज क्लियर कर लें ताकि क्वेश्चंस आप साथ साथ कर पाए बच्चों। यहाँ पे हमारा पैटर्न रहेगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे साथ में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से समुच्चय हैं यानी सेट्स हैं, और जो आप बोलोगे सेट्स है या नहीं है उसका आपको औचित्य बताना है कि ये सेट्स हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जे अक्षर, तो बच्चों ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो आपको बताना है कि क्या ये एक समुच्चय है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है। तो बच्चों देखिए, ऐसा कौन सा सेट है जो जे नाम से
जे अक्षर से प्रारंभ होगा, क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए ये सेट जो होगा वो होगा जनवरी, जून और जुलाई, यही होंगे। और कोई महीना तो हो नहीं सकता जो जे अक्षर से शुरू हो रहा है। तो ये एक सेट होगा, क्यों होगा? क्योंकि भाई ये प्री डिफाइंड है, ये सुप्रभाषित है। सुप्रभाषित है, वेल डिफाइंड है ये। वेल डिफाइंड कैसे है भाई? जो महीने होते हैं 12 ही महीने होते हैं, उनमें से हमने देख लिया कि सिर्फ 3 महीने ऐसे हैं जो कि जे से शुरू होते हैं, जे अक्षर से। तो सीधा सीधा हमें पता लग गया कि हाँ भाई ये 3 महीने हैं, ये पहले से ही डिफाइंड है, अच्छे से डिफाइंड है ये, इसीलिए इसको सेट बोलते हैं। अब कौन सा सेट नहीं होता है, आगे कुछ और पार्ट्स करेंगे तो हमें अच्छे से पता लग जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। ये बताइए कि भारत के सबसे अधिक 10 अधिक प्रभावशाली प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह कौन सा होगा? तो इस केस में आप कौन से आपका सेट क्या होगा, ये एक बार लिखने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है? और बताएंगे इसका सेट क्या हो सकता है, तभी आपको पता लग जाएगा। अगर आप इसका सेट लिख पाए तो मतलब इसका आंसर हाँ है, और अगर नहीं लिख पाए तो इसका मतलब ये एक समुच्चय नहीं होगा। तो ट्राई करो एक बार इसको। देखिए बच्चों, यहां पे अगर मैं सेट लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या सेट हो सकता है ये देखेंगे। भाई 10 लेखकों के नाम लिखने हैं हमें, 10 लेखकों के नाम कुछ भी हो सकते हैं, है ना? 10 लेखकों के नाम जैसे अरुंधति रॉय है, ठीक है, आर के नारायण है, अनिता देसाई है, विक्रम सेठ है, और ऐसे बहुत सारे लेखक हो जाएंगे जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अब उसमें से सबसे अधिक प्रतिभाशाली कौन है ये कैसे डिसाइड होगा भाई? हर किसी के लिए अलग अलग लेखक होंगे, है ना? हर किसी के लिए अलग अलग लेखक हो सकते हैं कि भाई कोई बोलेगा ये 10 मेरे लिए सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं, कोई दूसरा इंसान बोल सकता है, उसका मानना अलग हो सकता है, उसके लिए वो 10 नाम अलग लेखकों के हो सकते हैं। इसीलिए सबके अलग अलग सेट्स बनेंगे, सबके सेम सेट नहीं बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, मतलब सुप्रभाषित नहीं है, इसीलिए इसका आंसर नो हो जाएगा। क्लियर है आपको? देखिए रीजन भी पता लग गया और इसका आंसर हम नो लिख सकते हैं बच्चों। इसी तरह आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे, बाकी पार्ट देखिए। Thank you.
तो बच्चों यहाँ पे आपको बोला गया है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं ये 11 बल्लेबाज, ठीक है। किसी का भाई फेवरेट कोई होता है, किसी का कोई होता है, तो इसमें भी आप पर्टिकुलरली बता नहीं सकते कि कौन 11 बल्लेबाज हैं, इसीलिए ये भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, तो इसीलिए ये सेट ही नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप करते जाएंगे और आप पता लगाते जाएंगे कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो यहाँ पे ये सेट है, ये सेट है। क्यों है? क्योंकि भाई आपकी कक्षा में जो बच्चे होंगे वो एक पर्टिकुलर नंबर होगा, डेफिनेट नंबर होगा। जैसे कि भाई किसी की कक्षा में मान लीजिए 30 बच्चे हो सकते हैं, किसी के में 40 बच्चे हो सकते हैं। अब सबके कुछ ना कुछ नाम आप लिख सकते हैं, तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर संख्या होगी क्लास में। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी कक्षा में ही किसी के लिए 10 बच्चे होंगे, किसी के लिए 20 होंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। एक कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 ही होंगे, ठीक है। तो ये नंबर है, ये तो पर्टिकुलर है, इसीलिए डेफिनेट नंबर है। आप बोल सकते हैं कि ये एक संग्रह है, ये एक समुच्चय है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बोला गया है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो क्या ये सही है या ये सेट नहीं है या है, ये बताना है आपको। जल्दी से इसको आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे भी बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, भाई सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या हो सकता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 99 तक। तो लिमिटेड नंबर्स हैं, है ना, एक डेफिनेट संख्या है कि भाई 1 से लेके 99 तक ये प्राकृत संख्या है। तो हाँ ये हो सकता है एक सेट, क्योंकि डिफाइंड है बच्चों, है ना, वेल डिफाइंड है ये सेट। तो इसी तरह जो भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी पूछे कि भाई ये सेट है या नहीं है, आपको ये चेक करना है कि क्या ये संग्रह वेल डिफाइंड है। अगर होगा तो आप उसको सेट के रूप में लिख सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं लिख सकते, और इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, और इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भाई आप ये पहचान पाए कि कौन सा समुच्चय है किन चीजों का संग्रह और किन चीजों का संग्रह समुच्चय नहीं है। ये सबसे जरूरी और बेसिक चीज है, इसको नोट डाउन कीजिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो बच्चों पहले आप क्वेश्चन देखिए, फिर डिसाइड कीजिए कि ये क्वेश्चन इजी है या मुश्किल है। Thank you.
तो बच्चों क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भाई क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। यहाँ पे एक सेट दिया हुआ, समुच्चय दिया हुआ है ए, जिसके अवयव यानी एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसके अवयव हो गए, एलिमेंट्स हो गए। और उसमें बोला गया है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक। ये कौन सा प्रतीक दिया हुआ, किस चीज का है, क्या बोलते हैं इसको, किसी को याद है? इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, याद होगा, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या होता है इसका मतलब? बिलोंग्स टू, किया था ना हमने ये, इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है, ठीक है? तो ये एप्सिलॉन है और इसका मतलब बिलोंग्स टू है। अब जो आपको दिए जाएंगे रिक्त स्थान उन दोनों में आपको या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक प्रतीक भरना है, क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आपको पता लग जाएगा कि कहां पे क्या भरना है। तो बच्चों ये चीजें हैं, यहाँ पे आपको 6 पार्ट्स दिए हैं इसके, और आपको बताना है कि भाई जैसे या तो 5 belongs to A होगा या फिर 5 not belongs to A। ये समझ में आ गया कि भाई या तो 5 जो सेट ए है उसका एक पार्ट होगा या नहीं होगा, है ना? मतलब 5 या तो जो सेट समुच्चय ए है उसका एक अवयव है या नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है? तो इतना मैंने क्लियर वर्ड्स में आपको समझा दिया है कि क्या मतलब होने वाला है इसका। तो जैसे जो सेट ए है उसके क्या क्या हैं अवयव आपको दिख रहे हैं, उसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सब एलिमेंट्स सेट ए के हैं। अगर बाकी एलिमेंट्स होंगे तो वो नहीं होंगे, बस यही आपको बताना है, यही करना है ना। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि कौन से पार्ट में कौन सा चिन्ह आएगा। तो देखिए बच्चों, यहां पे हमें इजीली पता लग सकता है कि जैसे बोला गया है कि 5-A मतलब क्या 5A को बिलोंग करता है, क्या 5A का अवयव है? देख, हम देख पा रहे हैं कि 5 तो A का अवयव है, तो आप यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट देखिए, क्या 8A का अवयव है? भाई 8 तो मुझे यहाँ पे दिख ही रहा है, तो 8A का अवयव नहीं होगा, तो नोट बिलोंग्स टू का साइन ये है, तो ये लगा देंगे। 0B नोट बिलोंग्स टू A है। फिर 4 है, क्या ये A को बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है, ये देखिए, तो 4 belongs to A, बहुत ही सिंपल है ना ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि भाई यहाँ पे 2 है, तो 2 भी A को बिलोंग करता है, तो 2 belongs to A, एंड 10 not belongs to A। इतना सिंपल है ये क्वेश्चन। तो देखिए सारे पार्ट्स हमने फटाफट 10 सेकंड में कर दिए हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट है बच्चों अभी पूछ सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए चैप्टर समुच्चय से, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं ये, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे बच्चों। अगर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में भी क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट, और बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, तभी आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, आ पाएंगे जब बेसिक हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे ही साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।